लोकेंद्र हत्याकांड मामले में लंबी गहमा गहमी के बाद तीन थानों की पुलिस ने समझाइश कर कराया मामला शांत। कोलवा ग्रामीण इतने आक्रोशित हो गए कि पुलिस से भिड़ गए। ऐसे में मामला शांत कराने के लिए तीन थानों का जाप्ता बुलाना पड़ा, कोलवा, बांदीकुई व बसवा। पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह की देखरेख में घंटों मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझाइश कर मामला शांत कराया। कोलवा थाना इलाके में हुई लोकेंद्र हत्याकांड के मामले में सोमवार रात ग्रामीण और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। लोग कोलवा थाने का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने ग्रामीणों के बीच रास्ते में रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद ग्रामीण और पुलिस में झड़प हो गई। इस दौरान ग्रामीण और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। वहीं महिलाओं ने भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। गौरतलब है कि 27 मई को लोकेंद्र अपने दोस्त रामू उर्फ राम प्रकाश मीणा निवासी भावता के साथ गया था और उसका शव 30 मई को रामपुरा के जंगलों में मिला था। मृतक के गले में बेल्ट लगा हुआ था, जिसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी रामू उर्फ राम प्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी रतन सिंह का कहना है कि ग्रामीणों का लॉकडाउन व कर्फ्यू के बीच इस तरह का उग्र आंदोलन करना गलत है। हम मामले की फिलहाल जांच में जुटे हुए हैं। फिलहाल तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझाइश कर घर भेज दिया गया है। इस दौरान बसवा थाना प्रभारी धारा सिंह, बांदीकुई थाना प्रभारी राजेंद्र मीणा, गुड़ाकटला चौकी इंचार्ज हेमराज सिंह मौके पर मौजूद रहे। बाइट थाना अधिकारी रतन सिंह कोलवा। ये कुछ 150-200 लोग आए थे किसी जनप्रतिनिधि के रूप में साथ लेके, और ये कह रहे थे कि आपने काम नहीं किया या कम काम किया या थोड़े टाइम में और लोगों को पकड़ो जो उनको संदिग्ध लग रहे हैं। तो उन्हें समझाइश की गई है कि आरोपी जेल भेजा जा चुका है, जिसको 2 दिन में गिरफ्तार कर लिया गया था। अब आगे का अनुसंधान कार्य जारी है, हम इसमें और अधिक तत्परता से काम करेंगे, जिसमें थोड़ा धैर्य और अनुशासन की ज़रूरत है। ये इन्हें समझाया गया है कि इस समय में उन्हें नियमों के अनुसार संपर्क करना चाहिए, न कि भीड़ भाड़ इकट्ठी करके और कोई दबाव अनुचित रूप से बनाने की कोशिश करें। और वो सहमत हो गए, उन्हें समझ में आ गया है कि पुलिस काम कर रही है और इसीलिए वो अभी जा चुके हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के झटपट का भी है मामला? हाँ, ऐसा है, अचानक एक लोग एकदम टीम बना के आए हैं, जो उनको रोकना पड़ा उसी जगह पर, जो कि नियम के खिलाफ था। और उन्हें समझ में भी आ गया ये बात कि ठीक है, तरीका गलत था। अब वो समझने के बाद और अभी वापस जा चुके हैं वो। सर, क्या आश्वासन दिया है आपने उनको? आश्वासन दिया कि हम बहुत ही तत्परता से काम करेंगे, पहले भी किया है, लेकिन अनुसंधान का मामला है, हर स्तर पर इसे उजागर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। सर, ऐसी क्या परिस्थिति आई जो बांदीकुई उपखंड के तीनों थानों की पुलिस व सीओ साहब मौजूद रहे हैं? क्योंकि अकस्मात कोई अचानक भीड़ 150-200 लोगों की आती है, जिनको ये पता नहीं है कि भाई क्या कारण, किस कारण से वो इकट्ठे हो रहे हैं। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं वो किस लिए आए हैं, क्योंकि उनकी बातों से स्पष्ट होता है कि कोई एक विशेष आदमी उनको इकट्ठा करके लाया। अब सर, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी ना? देखिए, ये कानून का मामला है, जो भी कुछ होगा बता दिया जाएगा। पुलिस के साथ हाथापाई भी की है प्रदर्शनकारियों ने? जब भीड़ को नियंत्रित की जाती है कि उसमें धारा 144 हटी नहीं है, लॉकडाउन का टाइम अभी चल रहा है, तो उनको रोकना आगे बढ़ने से, एक बहुत ही भीड़ के मामले में उसको रोकना ज़रूरी था और उनको रोका गया था। ऐसी कोई विशेष घटना नहीं है जिसमें कोई धक्का मुक्की हुई हो। प्रधान सिंह, थाना अधिकारी, कोलवा।